13-14 साल हो गए इस मैक को पीते पीते सर, कम से कम 4-5 हजार रुपए के रोज पी लेते हैं हम। अच्छा, इस पे गार्जियन नहीं डाल दूंगा ना जब तक मेरी इस मैक की टूट नहीं जाती है, हालत नहीं जाती है, मतलब अजीब अजीब सा लगता है, सुकून नहीं मिलता पूरा। सुकून नहीं मिलता, जल्द से जल्द ना इस चीज पे कार्रवाई की जाए और ये चीज ना बंद कर दी जाए। यानी आप भी चाहते हो चीज बंद हो, गलत है, बंद हो जाए। जेल में जी हम 7 महीने रहे, 7 महीने में सब कुछ देख लिया, कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब जो आप ये सब जेल में भी मिलता है, मिलता है, चोरी वगैरह करते हैं इस वजह से पैसा आते हैं, क्योंकि मेहनत से पैसा नशा होने से रहा। क्या करते हो, पैसा कहाँ से आता है इसके लिए, नशे के लिए? चोरी। आप भी चोरी करते हो? कितने टाइम से? 7-8 साल। क्या उम्र है आपकी? 13। यानी 7 साल की उम्र से लगा। तो आगे का क्या सोचा, यही नशा करोगे, छोड़ोगे? छोड़ने चाहते हैं। तो छूटता ही नहीं? छूटता, छूटता ही नहीं। जब से मैंने दिमाग की नस काटी है ना, जब से ना दिमाग इधर उधर भागता है और गलत करने को करता है। खुद काटी थी ना जी? नशा सेहत के लिए हानिकारक है और उसका सेवन करने से जान भी जा सकती है। तमाम इसी तरह के बड़े बड़े शब्दों में, कहीं बड़े कहीं छोटे शब्दों में अलग अलग नशों के ऊपर ये चीज़ वार्निंग लिखी हुई होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के उस चीज़ का सेवन करते हैं, उस नशे का सेवन करते हैं, चाहे बीड़ी हो, गुटखा हो, पान हो, शराब हो, बड़े पैमाने पर रोज इसका भारी मात्रा में हजारों लाखों करोड़ों लोगों द्वारा इसका सेवन किया जाता है। लेकिन सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती, लोग इससे आगे बढ़कर भी और ख़तरनाक नशे करते हैं, जैसे चरस, गांजा, इसमें ये तरह तरह के ऐसे नशे हैं जो और एक लेवल या मैं कहूँ 2 लेवल आगे बढ़कर लोग अब कर रहे हैं। इस नशे में सबसे ज़्यादा बच्चे और युवा इसमें लिप्त हैं। आप आगे देखेंगे किस तरह से कम ही उम्र के बच्चे, जवान इस तरह के लगातार नशे कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर में इसमें सरकार क्या कर रही है, इस तरह के नशे खुलेआम कैसे बिक रहे हैं जो हर कोई जाकर खरीद रहा है। हमने उनसे बातचीत की, वो कह रहे हैं कि इस तरह के नशे करने के लिए वो चोरियां करते हैं, डाका डालते हैं, इस तरह की वो बातें खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। हालांकि वो सब बातें नशे में कह रहे हैं, लेकिन ये सच है नहीं, लेकिन आप भी जानते हैं कहां तक ये बात सच है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं किस किस तरह के ये नशे लोग कर रहे हैं और अपनी ही जुबानी वो आपको बता रहे हैं। मैं यहीं पर आया हूँ, आप देखिए कि आप क्या पी रहे हो भाई? ये भाई इसमें ये, अरे किस तरह पी जाती है इस बारे में बताएं, क्या है, कहां से खरीदी जाती है? ये भाई गवर्नमेंट ना भाई, ये भारी लोग देखते हैं भाई, 350 रुपए की चीज है। देखो कितनी आती, कितनी आती है? 350 में एक ही चीज आती है भाई बस। तो कितनी बार पी सकते हो आप उसे? ये भाई हम पीते हैं 10-12 बारी में खत्म हो जाती है। 350 ही खरीद के 10-12 बार? यस भाई, एक बार एक गांठ ना भाई, एक माचिस लगती है उसमें, 350 रुपए में भाई बस। तो अच्छा, तो आप कितने दिन में खत्म कर देते हो ये 350 की खाती है? ये कम से कम 4-5 हजार रुपए के रोज पी लेते हैं हम। अच्छा, रोज रेगुलर? अच्छा, सही है। और एक मेरा छोटा भाई भी है, उस स्मैक लगी हुई है। अच्छा, ये पीछे बैठा हुआ जो है ये स्मैक में लग गया। तो ये दोस्त है भाई है? छोटा भाई है। अच्छा, तो कितने सालों से पी रहे हो भाई आप? ये 13-14 साल हो गए स्मैक को पीते पीते सर। अच्छा, तो क्या उम्र हो गई यार, ये बचपन से पी रहे हो क्या जी? क्या उम्र है? 27 साल। अच्छा, यस। तो ये एक फॉइल में कितनी माचिसें लग जाती हैं आपकी, कितनी बार जलाती हैं ये? जी सर, एक फॉइल में एक माचिस लगती है, पूरी एक माचिस जी। और कम से कम 2-3 इस पे गार्जियन नहीं डाल दूंगा ना जब तक मेरी इसमें की टूट नहीं जाती है, हालत नहीं जाती है, मतलब अजीब अजीब सा लगता है, सुकून नहीं मिलता पूरा। सुकून नहीं मिलता। अच्छा, ये जल्द से जल्द ना चीज पे कार्रवाई की जाए और ये चीज ना बंद कर दी जाए। यानी आप भी चाहते हो चीज बंद हो, गलत ये है, बंद हो जाए। और जेल में भी ना कोई वो नहीं है सुविधा, वहाँ पर भी ना लड़का भी करता ही है। मतलब जेल जा चुके हो क्या? जेल में 5-6 एंट्री है जी। अरे कितने, कब गए थे जेल, किस केस में? अभी गया था मैं 2022 में। तो कितने दिन रहे थे जेल में? जेल में जी हम 7 महीने रहे, 7 महीने में सब कुछ देख लिया, कोई सुविधा नहीं है। तो ये सब जो आप, ये सब जेल में भी मिलता है? मिलता है सब कुछ जेल में। आप मंगवाते हो, खुद ला के देते हैं? सर हेड वगैरह, मुलाजिम वगैरह खुद ला के देते हैं। अच्छा जी, तो क्या रेट का वहाँ पे, तो और महंगा मिलता होगा जी? ये एक कूपन अंदर 5 हजार रुपए का है। अच्छा, जो 350 का यहाँ मिलता है, यहाँ पे 350 का अंदर 5 हजार रुपए का। अच्छा भाई, एक बात बताओ, ये आप इतने सालों से नशा कर रहे हो तो इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? क्या से आते हैं? चोरी करते हैं। अरे मैं बोल रहा था भाई, बस चोरी वगैरह करते हैं इस वजह से पैसे आते हैं। अच्छा अच्छा,
क्योंकि मेहनत से तो नशा हो नहीं सकता, मेहनत से कहाँ कोई कर पाएगा। तो ये जिनसे हम बात कर रहे थे ये इनके छोटे भाई हैं, तो जैसे भाई इस टाइम नशा कर रहे हैं आपके, आप भी नशा करते हो? बने सिगरेट वाला या स्मैक वाला? कितने टाइम से पी लो? मेरे को 7-8 साल। क्या उम्र है आपकी? 13। यानी 7 साल की उम्र से लगा। तो कैसे आदत पड़ी, मतलब क्या किसी ने पिलवाई या खुद ही दिल करा? भाई दिल क्या, अपनी मर्जी से लगती है, कोई किसी को नहीं लगता। अच्छा, स्कूल वगैरह नहीं जाते? तो बार दोस्तों के साथ में लगाया, लग गई। अब छूट नहीं रही है? छूट नहीं चाहती। सेंटर भी काट के आया हुआ हूँ, सब कुछ काट रहा है। जेल जा चुके हो? एक बार गया हूँ, बच्चा जेल गया हूँ। किस केस में गए थे? वो नशा मुक्ति केंद्र है ना, वहाँ पे बच्चे अच्छा। सुधार करते हैं। सुधार केंद्र? अच्छा, सुधरने के लिए गए थे? खुद गए थे, किसी ने भेजा था? नहीं, केस लगवा के मम्मी। अच्छा, केस लगवा। अच्छा, मम्मी खिलाफ है इस चीज के? मम्मी मना करती होंगी? तो ये स्कूल वगैरह नहीं जाते क्या है, मतलब ये दिल नहीं करता? नौकरी नहीं करते? क्या करते हो? पैसा कहाँ से आता है इसके लिए, नशे के लिए? आप भी चोरी करते हो? तो आगे का क्या सोचा, यही नशा करोगे छोड़ोगे? छोड़ने चाहते हैं। तो छूटता ही नहीं? छूटता छूटता ही नहीं। अच्छा, उसके नहीं छूटेगा जब तक जेल नहीं जाएंगे, सेंटर नहीं जाएंगे, जब तक नहीं छूटेगा नशा। अच्छा, ये नशा जहर बन चुका है। तो यार ये बताओ, क्या अकेले ही रहोगे, शादी वगैरह का सोचा? शादी वगैरह की सोच रखी है, सब कुछ सोच रखा है, बट जब तक ये चीज़ नहीं छूटेगी जब तक शादी नहीं आएगी। अच्छा, चाहता हूँ छोड़ना, बट नहीं होता ऐसा। दिमाग उससे कुछ होता है और अपने आप में खो देता हूँ। जब से मैंने दिमाग की नस काटी है ना, जब से ना दिमाग इधर उधर भागता है और गलत करने को करता है। खुद काटी थी ना? जी। क्यों? ये लड़ाई वगैरह हुई थी मौम से और मौसी से। अच्छा, तो मौसी के चक्कर में मैंने अपने आप ही गुस्से में गुस्से में नशे में मैंने अपने आप को मार लिया। तो ये बिल्डिंग में ऐसे नशा करते हो, बिल्डिंग वाले कुछ नहीं कहते? बिल्डिंग वालों का कोई दोस्त नहीं है। नहीं, घर कुछ कहते नहीं? क्यों कर? नहीं, उनका कोई दोस्त नहीं। आते तो साथ ये तो भगाते हैं। अच्छा, फालतू के लोग आप ही भगाते हो, आप ही रहते हो बस यहाँ, तो बिल्डिंग वालों का ख्याल रखते हो? यस। तो बिल्डिंग वाले धोए ना होंगे इन सब चीज़ों? और काम धंधे करते हैं अपना, वो अपने काम में आप ही हो यहाँ, और बाहर वाले को आने ही देते? बाहर वाले को